अब हम भारत के कालजाई साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे, जिनका जन्म आज से 140 वर्ष पहले आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। और हम चाहेंगे कि आज हमारे देश का जो युवा है वो मुंशी प्रेमचंद के बारे में जरूर जाने, और हम तो ये भी कहेंगे कि उन्हें पढ़ना भी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं, और यही वजह है कि उनका जीवन और साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस जमाने में हुआ करता था। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, और उन्हें बदले हुए नाम के साथ इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि वर्ष 1908 में अंग्रेजों ने उनके पहले उर्दू कहानी संग्रह, जिसका नाम था सोजे वतन, इसे जब्त कर लिया था। देश प्रेम की कहानियों की वजह से इस कहानी संग्रह की बची हुई प्रतियों को जला दिया गया था, क्योंकि इसमें देश प्रेम की कहानियां थी और अंग्रेजों की सरकार ऐसी कहानियों को दबाना चाहती थी। सच की प्रतियां आप भले ही जला दें, लेकिन सच की राख भी झूठ के महल से ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। आप जानते हैं आज के दौर में झूठ का बोलबाला है, और कई लोगों की कोशिश होती है कि झूठ और दुष्प्रचार के दम पर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने सच कह दिया तो उन्हें नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। सच बोलकर आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक मशहूर कहानी पंच परमेश्वर में ये लिखा था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यानी चाहे किसी से आपके संबंध बिगड़ ही क्यों ना जाएं, आपको ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है उन्हें बिना मेहनत किए ही फल मिल जाए 2020 स्टाइल में, लेकिन मुंशी प्रेमचंद मेहनत को सबसे मूल्यवान समझते थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। वो ये भी कहते थे कि सिर्फ सोने और खाने का नाम जीवन नहीं है, यानी आपको जीवन में जो कुछ भी कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ के दम पर मिलता है वही आपकी असली कमाई है, इसलिए आपको हमेशा परिश्रम के रास्ते पर ही चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, पूरे परिश्रम से भी करते हैं, लेकिन आपको इसका उचित फल नहीं मिलता। आप विचलित होने लगते हैं और भाग्य को दोष देते हुए कहते हैं कि क्या सारी विपत्तियां मेरे ही जीवन में मेरी ही किस्मत में लिखी हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन इस पर मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय नहीं है, यानी जीवन में आने वाली कठिनाइयां और उनसे लड़ने की आपकी क्षमता और सामर्थ्य से ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और जब ये सारी कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं तो असल में ये एक स्कूल की तरह होती हैं, एक विद्यालय की तरह होती हैं, एक कॉलेज की तरह होती हैं, जहां से आप शिक्षा लेकर सीख कर जाते हैं। इसलिए इन परेशानियों से कभी भी घबराइए मत, बल्कि ये सोचकर चलिए कि ये परेशानियां भी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाकर ही जाएंगी। इसलिए अपने सिलेबस में, जिंदगी के सिलेबस में परेशानियों को भी रख लीजिए। हमारे देश में चापलूसी की परंपरा वर्षों से चलती आई है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो चापलूसी करते होंगे। अगर आप दफ्तरों में काम करते हैं तो आपको अक्सर ये शिकायत रहती होगी कि जो लोग ज्यादा चापलूसी करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और आपकी बड़ी कमी यह है कि आप चापलूसी नहीं कर पाते। दरबारी पत्रकार और कुछ इतिहासकारों के साथ साथ कई बार आम लोग भी चापलूसी को ही सफलता का असली मंत्र समझ बैठते हैं। लेकिन इस संबंध में मुंशी प्रेमचंद ने एक बड़ी काम की बात कही थी। वो कहते थे, चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी ना जाएं। यानी जो लोग चापलूसी करते हैं और जो लोग दूसरों की चापलूसी से खुश भी हो जाते हैं, उन दोनों को ही यह बात समझ लेनी चाहिए कि तारीफ की चाशनी में डूबा हुआ झूठ कितना ही मीठा क्यों ना लगे और यह आपके कानों को अमृत जैसा ही क्यों ना महसूस हो, यह आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए दूषित कर देता है। और मुंशी प्रेमचंद के जीवन और उनकी कहानियों से सीखने वाली आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सिर्फ विद्वान होने से ही कुछ नहीं होता, आपको धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। यानी विद्वान कहलाने का हक भी उसी व्यक्ति को है जो न्याय संगत व्यवहार करता है। मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मशहूर उपन्यास का नाम है नमक का दरोगा, और इसके मुख्य किरदार का नाम है वंशीधर। वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है, और इसके बाद वंशीधर के पिता उसे कुछ समझाते हैं, इसलिए इस संवाद को आप ध्यान से सुनिए। वंशीधर के पिता उसे बताते हैं
कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासी के चांद की तरह होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वो आगे उसे समझाते हैं कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत जैसा होता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है, यानी जो असली प्यास बुझती है वो तो ऊपर की आमदनी से बुझती है। वेतन क्योंकि मनुष्य देता है, इसलिए वेतन में कभी वृद्धि नहीं होती, या कभी होती भी है तो बहुत छोटी मोटी वृद्धि होती है। ये एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है। वो आगे कहता है कि ऊपरी आमदनी ईश्वर का रूप है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। लेकिन वंशीधर विद्वान होने के साथ साथ ईमानदार भी था और वो पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है और इसी वजह से जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन इलाके का जमींदार वंशीधर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हो जाता है और आखिर में वंशीधर को एक बड़ा पद दे दिया जाता है। यह इस कहानी का सार है। कई लोगों को लगता है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, वो संतुष्ट नहीं है अपनी तनख्वाह से और यह तो एक से दो दिन भी नहीं टिक पाती। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऊपरी कमाई के लालच में ईमानदारी से समझौता कर लेते हैं, यानी अपनी तनख्वाह ज्यादातर लोगों को कम ही लगती है और इसलिए वो चाहते हैं कि तनख्वाह के अलावा कुछ ऊपरी आमदनी भी होती रहे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद बताते हैं कि अगर आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आपको इसका फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। आज 31 तारीख है और आप में से भी बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें या तो आज आ गई होंगी और या फिर आने वाली होंगी। 31 तारीख या 1 तारीख जो होती है महीने की, उसे तनख्वाहों का दिन कहा जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी तनख्वाह पूर्ण मासी के चंद्रमा की तरह है और ये बहुत जल्द लुप्त हो जाती है, तो आपको मुंशी प्रेमचंद से ये सीखना चाहिए कि आपकी तनख्वाह भले ही ज्यादा दिनों तक ना टिकती हो, लेकिन ईमानदारी का टिकना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। मुंशी प्रेमचंद पर अपना यह विश्लेषण हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी को पढ़कर समाप्त करेंगे और यह चिट्ठी उन्होंने 3 जून 1930 को लेखक और पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी के नाम लिखी थी। इसमें मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं, प्रिय मित्र, मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं है। इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजयी हों। धन या यश की लालसा मुझे नहीं रही, खाने भर को मिल ही जाता है। मोटर और बंगले की मुझे अभिलाषा नहीं। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि 2-4 उच्च कोटि की पुस्तकें लिखूं, पर उनका उद्देश्य भी स्वराज्य विजय ही है। मुझे अपने दोनों लड़कों श्रीपत राय और अमृत राय के विषय में कोई बड़ी लालसा नहीं है। यही चाहता हूं कि वो ईमानदार, सच्चे और पक्के इरादे के हों। विलासी, धनी, खुशामदी संतान से मुझे घृणा है। मैं शांति से बैठना भी नहीं चाहता। साहित्य और स्वदेश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूं। हां, दाल रोटी और तोला भर घी और मामूली कपड़े सुलभ होते रहें। यानी मुंशी प्रेमचंद ना सिर्फ खुद लालसा और लालच से परे रहना चाहते थे, बल्कि वो अपने बच्चों को भी ईमानदार और पक्के इरादों वाला बनाना चाहते थे। ये मुंशी प्रेमचंद का वो मिनिमलिज्म वाला फॉर्मूला था जिस पर आज देश की युवा पीढ़ी को चलना चाहिए। और आज आप तो देख रहे हैं, चारों तरफ रिश्तों की जांच हो रही है, रिश्तों में लालच की मिलावट हो चुकी है। लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और जो लोग खुद पैसा नहीं कमाना चाहते, वो दूसरों का पैसा हड़प लेना चाहते हैं। आप भी चारों तरफ ये देखते होंगे। ऐसे में अगर आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनके दर्शन को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको ना सिर्फ शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, बल्कि आपको जीवन का सही रास्ता भी समझ में आएगा।